नमस्कार दोस्तों, एक गांव में हर साल एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस आता था और वह आकर के सारे गांव वालों को ललकारता था कि अगर तुम में से कोई भी बाहुबली है या जिसमें बहुत ताकत है तुम उसको भेजो मेरे पास, और वह अगर मुझसे लड़ाई में जीत गया तो वह वापस आ जाएगा और तुम लोगों को बचा लेगा, नहीं तो मैं उसको खा जाऊंगा। दोस्तों, हर साल जब ये इस तरह की घटना होती थी तो उस गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, एक द्वार के पास इकट्ठा हो जाते थे और वहां पर वह विचार विमर्श करके अपने में से किसी एक को वहां पर जाने के लिए तैयार करते थे। दोस्तों, हर साल इस तरह से एक आदमी को तैयार करके इस प्रकार से भेजा जाता था जैसे उसकी बलि दी जा रही है। दोस्तों, अपनी बलि के लिए जो भी तैयार हो जाता था वह गांव की तरफ से उस राक्षस के पास चला जाता था और फिर कभी लौट करके वापस नहीं आता था। इस साल भी राक्षस आया और उसने आकर के पूरे गांव वालों को ललकारा कि मुझे भेजो किसी आदमी से लड़ने के लिए, अदरवाइज मैं आपके पूरे गांव को तबाह कर दूंगा, उसमें पूरे गांव में आग लगा दूंगा। दोस्तों, मरता क्या ना करता, पूरा गांव फिर से हर साल की तरह इकट्ठा हो गया और आकर के जैसा उसने अपने बच्चों को हमेशा से तैयार किया था, अपने में से एक आदमी को तैयार कर रहे थे। वो लोग वहां पर इकट्ठा होकर के एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि इस साल कौन जाएगा, कौन है बाहुबली, कौन है हमें से सबसे ताकतवर जो जाकर के उस राक्षस का मुकाबला करे, और फिर अगर नहीं भी वापस आता है तो उसको हम बलि के रूप में स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, अभी विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहां से एक बहुत बड़ा योद्धा अपने घोड़े पे सवार होकर के वह घुड़सवार वहां से गुजर रहा था। उसने दूर से देखा कि सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर के ये क्या कर रहे हैं। उसके मन में क्वेश्चन आया, उसने आकर के वहां गांव वालों के पास में अपने घोड़े को खड़ा किया और आकर के उनके पास आकर के उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। वो लोगों ने सोचा कि अब हम इसको क्या बताएं, ये हमारे लिए क्या ही कर पाएगा। दोस्तों, फिर भी उन लोगों ने उसके साथ अपनी पूरी घटना शेयर करी और सालों साल से जो चला आ रहा था वह उसको बताया। घुड़सवार ने बोला, अगर ऐसी बात है तो इस साल आप मुझे इस चीज के लिए चुन लीजिए, आप मुझे अपना बच्चा समझ करके जाने दीजिए, मैं उस जाकर के उससे लड़ूंगा, उस योद्धा की तरह लड़ूंगा जो शायद उससे जीत भी जाए। दोस्तों, सभी गांव वाले इस बात के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उस योद्धा को उससे जाकर के लड़ने के लिए तैयार कर दिया कि आप चले जाइए, आप जाकर के उससे लड़िए। योद्धा अपने घोड़े पे सवार हुआ और आकर के उसकी वेट करने लगा कि राक्षस जब आएगा तब मैं उससे जाकर के लड़ूंगा। सुबह हुई, वह राक्षस आया और उसने फिर से ललकारना शुरू किया। घुड़सवार ने तुरंत अपने घोड़े पर बैठ करके उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह उसके नजदीक जाता जा रहा था वैसे वैसे उसको लग रहा था कि जैसे इसका कद धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जो राक्षस है वो पहले तो एक बड़े पहाड़ की तरह लग रहा था, लेकिन वह घुड़सवार पूरे मन से, पूरे जोश से, पूरी उम्मीद से, अपनी पूरी स्किल्स के साथ उस राक्षस की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था उसका कद धीरे धीरे और जल्दी जल्दी छोटा होने लगा। पहले वह 50 फुट का लग रहा था, जैसे ही वह आधी दूरी तक पहुंचा तो वह 25 फुट का लगने लगा। दोस्तों, घुड़सवार के मन में और हिम्मत जागी, उसके अंदर और जोश जागा। उसने देखा कि ये जो राक्षस है इसका कद छोटा हो रहा है, वह उसकी तरफ और जोर से आगे बढ़ने लगा। वह दौड़ाता हुआ घोड़े को उसकी तरफ जा रहा था, जब उसने आधा डिस्टेंस और थोड़ा सा कवर कर लिया तो उसने देखा कि ये जो राक्षस है इसका कद और आधा हो गया, वह सिर्फ अभी 10-12 फुट का ही लगने लगा। उसने और अपने घोड़े को तेज दौड़ाया और दौड़ा करके उसकी तरफ पहुंचने लगा तो उसको ऐसे लगने लगा कि ये तो सिर्फ 10-5 फुट या 7 फुट का ही है। घुड़सवार के मन में और हिम्मत जागी, उसने घोड़े को उसके पास तक लेकर के गया तो उसने क्या देखा वहां जाकर के, उसकी तो हंसी ही छूट गई। उसने देखा कि एक छोटा सा बौना एक मिट्टी के टीले के ऊपर में खड़ा होकर के वहां से हुंकार भर रहा है, वहां से जोर जोर से आवाजें कर रहा है और सब लोग उसी से ही डर रहे थे। वह उसके पास पहुंचा, उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उस बौने के दो टुकड़े कर दिए। अब वो राक्षस मर चुका था। दोस्तों, जो राक्षस पहले 50 फुट का लग रहा था, जिससे लड़ने के लिए पूरा गांव हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसके साथ लड़ने के लिए जब यह घुड़सवार तैयार हुआ, जब उसके पास तक पहुंचा तो उसको पता चला कि यह तो एक छोटा सा बौना निकला, वो तो कोई राक्षस था ही नहीं। दोस्तों, हमारी भी जो मुसीबतें, हमारी भी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों में जो मुसीबतें आती हैं, जो रोज़मर्रा के काम में हमारी ज़रूरतों में मुसीबतें आती हैं, वो भी इसी तरह की होती हैं। हम जब उसको सामने से नहीं अप्रोच करते हैं, जब हम उसको सामने से नहीं टैकल करने की कोशिश करते हैं, तो वह उस राक्षस की तरह बहुत बड़ी दिखती हैं। दोस्तों, अगर हम उसको सामने से जा करके अपनी स्किल से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से उसको सामने से जा करके पकड़ते हैं, उसको नाक से पकड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वह उस बौने की तरह हो जाती हैं। उसके अंदर कोई भी दम नहीं होता, किसी भी मुसीबत में ऐसा दम नहीं है जो किसी इंसान की हिम्मत से बड़ी हो। दोस्तों,
हमारे और आपके जीवन में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में मुलाकात की होगी जिन्होंने हाथ नहीं है, पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, या शरीर में बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपको याद कराऊं, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बिना हाथ और बिना पैर के लोग बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप हिम्मत करके कोई भी मुसीबत जो आपके सामने है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, उस मुसीबत का जो साइज है वो धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा और आप चुटकियों में पल भर में उस मुसीबत को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, मुसीबतें हमारे रोजमर्रा के जीवन में या हमारी जिंदगी में उसी के लिए आती हैं जिसको भगवान जानता है कि वह अपनी मुसीबतों से लड़ करके इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आ रही है, कोई भी दुविधा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये यकीन मानिएगा कि वो ईश्वर जो है वो जानता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो है, ये इस मुसीबत से लड़ सकते हैं, और लड़ ही नहीं सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको दुनिया से समाप्त कर सकते हैं। वो आपको चुनते हैं उस मुसीबत से लड़ने के लिए, ताकि आप उस मुसीबत से लड़ करके उन सब लोगों के लिए मिसाल बन जाएं जो उस मुसीबत से डर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी सिर्फ इसलिए थी कि आपके जीवन में रोजमर्रा में मुसीबतें आती हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अप्रोच ऐसी रखिए कि उसको नाक से पकड़िए और धड़ाम करके नीचे जमीन पर मारिए। आप जीत सकते हैं, आप जरूर जीतेंगे, बस सिर्फ मुसीबत से डट करके सामना करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।